हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाफ विद मायरा। आज मैंने कलर किया है एक केक में एंड आई यूज डिफरेंट डिफरेंट कलर्स टू मेक इट मोर कलरफुल एंड अट्रैक्टिव। एंड मायरा, व्हिच कलर आई एम फीलिंग इन दिस? येलो। यस, दिस कलर इज येलो। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हम अपने बच्चों को घर से ही सिखा सकते हैं, बिकॉज मदर्स आर द बेस्ट टीचर और द फर्स्ट टीचर फॉर एनी केक, राइट? तो मैं बात कर रही थी कम्युनिकेशन स्किल की, कि हम अपने बच्चे का कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव करें। देखो, ये भी एक जर्नी ही थी मेरी। माई डॉटर इज 3 ईयर्स ओल्ड, तो ये जर्नी स्टार्ट करने के लिए मुझे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिकॉज मैं जब खुद इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कर रही थी तो सबसे पहले मैं वोकैबुलरी पे ही काम कर रही थी। आई वाज जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी वर्ड फ्रॉम द इंटरनेट, फ्रॉम द बुक्स, तो मैं उनको लिख लेती थी। आई जस्ट ऑल्सो मेक अ डिक्शनरी फॉर माई सेल्फ, जिसमें वो सारे वर्ड्स होते थे डैट आई एम यूजिंग फॉर एवरी डे लाइफ। तो मैं क्या करती हूँ, जब लाइक मेरा बेबी होने के बाद जब उसको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगे, मे बी सिक्स मंथ का था वो, जो 7 मंथ का था, तो मैंने उसके साथ वो सारे वर्ड्स धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जैसे जो भी था, बर्पिंग करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे क्या हुआ, वो बेबी लाइक माई मायरा ट्राई लाइक स्टार्टेड टू कैच ऑल द वर्ड्स, कि मम्मा क्या बोल रही है, मुझे किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करना है। आपको भी पता है, शुरू में बच्चा सिर्फ एक अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ रिएक्ट करता है, बट सुनता सब है, समझता सब है, राइट? सो व्हाट हैपन लेटर, जैसे वो 2 ईयर्स का हो गया, मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी इम्प्रूव हुआ, एज वेल एज मैंने उसके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल ही इंग्लिश में स्टार्ट कर दिया। हिंदी पंजाबी लाइक बोथ लैंग्वेजेस आई जस्ट लीव टू स्पीक विद हर। तो उससे क्या हुआ, मारा विच कलर इट इज, सी पिंक कलर। व्हाई यू आर नॉट डूइंग योर होमवर्क? अपना होमवर्क कर लो। वो बर्ड आपका खाना खा रहा है बेटा, बर्ड कुछ नहीं कर रहा, बोले ओके जाओ देखो। सो क्या है, तो शुरू में मेरे हस्बैंड भी मेरे को बहुत टॉन्ट मार देते हैं, ये अकेली बोलती रहती है, क्या करती रहती है, इतनी ऊँची ऊँची लगी रहती है खुद से बोलने के लिए। आई सेड नो, दिस इज लाइक, ये यू डोंट हैव एनी कंसर्न विद दिस थिंग, मुझे करना है तो मुझे ये काम करना ही है, आई वॉन्ट टू लर्न। क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, घर पे ही थे, तो मेरे को ये था कि अच्छी जगह अच्छे स्कूल में जॉब चाहिए, बिकॉज आई वांट टू लाइक गेट एनरोल्ड माय डॉटर इन अ वेरी गुड स्कूल। तो फिर मैंने इस चीज़ की स्पीड बढ़ा दी कि अपनी कम्युनिकेशन को लर्न कर, इस प्रोसेसिंग की मैंने स्पीड बढ़ाई। तो वट एवर आई वॉज सेइंग, आई जस्ट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मेरा कोई मजाक उड़ा रहा। माई हस्बैंड ऑल्सो यूज टू मेक फन ऑफ मी, माई लाइक मैं किससे भी बोलती थी, इन लॉज में कभी कुछ भी मैंने बोलना, दे यूज टू मेक फन ऑफ मी। वो आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट आई नेवर गेट नेगेटिव, और मैंने कभी अपने आप को डीमोटिवेट ही नहीं होने दिया। मैं सोचती थी इग्नोर दैम, इग्नोर इज़ द बेस्ट पॉलिसी अगर आपने कुछ लर्न करना है, बिकॉज पीपल्स आर ओनली यूज टू लाफ एट यू हमेशा, क्योंकि उनको तो एक मौका चाहिए। लेकिन मैंने मौका किसी को नहीं दिया, क्यों? क्योंकि मैं सबको इग्नोर करती थी। सो मायरा वॉज 1.5 ईयर्स ओल्ड, 2 ईयर्स ओल्ड, तो मैंने क्या किया, मैंने जो भी बोला, वट एवर आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश विद हर, जिससे इसने थोड़ा थोड़ा करके सीखना शुरू किया। फिर मैंने अपना वोकैबुलरी और इम्प्रूव किया, और मायरा ने स्टार्ट किया जो भी बोलना वो इंग्लिश में ही स्टार्ट किया, पंजाबी हिंदी शी वॉज स्पीकिंग, बिकॉज ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है, सो शी इज स्पीकिंग वेरी गुड। बट फिर भी यस बेटा, हाँ आप करो, यू डू योर वर्क, बट यू डू योर होमवर्क। यस, क्या बोलोगे? अच्छा, विच कलर इट इज? पर्पल। सो इससे उसने बहुत कुछ सीखा, उसने 1.5-2 साल में ही इतना कुछ सीखा कि आज वो अपना एक सेंटेंस भी बनाना इंग्लिश में, शी कैन फ्रेम हर सेल्फ दैट सेंटेंस।